Loco. मैंने उसे मार दिया क्योंकि इसने तेरी तेरी बेइज्जती की अग्नि तेरी बेइज्जती की इसलिए मैंने उसे मार दिया। नहीं, मुझे माफ करना अग्नि, अग्नि मुझे माफ करना विजय, विजय, विजय। Black Tiger. तुम्हारे जिगरी दोस्त विजय को मौत की नींद सुलाने वाला और कोई नहीं, वो मैं ही हूं।
जाएगा। ब्लैक टाइगर। हाँ, यस। जिस ब्लैक टाइगर को फांसी की सजा हुई थी उसे याद देखकर तुम चौंक गए हो ना? मरहूम ब्लैक टाइगर को जिंदा सामने देखकर होश उड़ गए ना? नामुमकिन को मुमकिन करना ही मेरी स्टाइल है। अगर तू लॉ मेकर है तो मैं लॉ ब्रेकर हूं। मैं चाहूं तो इसी पल खत्म कर सकता हूं, लेकिन तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। तेरी हॉबी है ना मुठभेड़ के बहाने क्रिमिनल्स को दौड़ा दौड़ा के तड़पा तड़पा के मारना। तेरी मौत की खबर सुनकर, तेरी लाश को देखकर कोई भी इंसान सपने में भी पुलिस में भर्ती होने के बारे में नहीं सोचेगा। पुलिस 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 वालों को तो मैं कीड़ा मकोड़ा समझता हूं। नाउ द रियल वॉर स्टार्ट्स। ब्लैक टाइगर। तूने अपनी जान देकर मुझे बचा लिया, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है विजय। और जब भी मैं अपने आप से पार होता हूं तो तुम मुझे काबू करते थे यार। तुम्हारे लक्ष्य को मैं पूरा करूंगा, मुझे अपनी दोस्ती की कसम। उस आतंकवादी ब्लैक टाइगर को मैं उसके ठिकाने पर जाकर मार के आऊंगा मेरे दोस्त, तभी मुझे तसल्ली होगी और तुम्हारी आत्मा को शांति। मुझे हमारे दोस्ती की कसम मेरे दोस्त। इट्स अ प्रॉमिस। अग्नि, ब्लैक टाइगर ने विजय और हमारे आदमियों को, इम्पॉसिबल, वो तो मर चुका है। नो सर, ब्लैक टाइगर जिंदा है। व्हाट? यस सर, उस आतंकवादी को मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव। अनबिलीवेबल। अच्छा अग्नि, क्या आदमी मर के दोबारा जिंदा हो सकता है? इम्पॉसिबल। सिर्फ आप ही नहीं सर, मेरी बात का यकीन किसी को नहीं होगा सर। उसे फांसी की सजा सुनाई थी और फांसी हो भी गई थी, मगर उसे नहीं, उसकी जगह किसी बेगुनाह को फांसी की सजा दी गई। यही सच्चाई है सर, और मैं जानता हूँ कि मेरी बात को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है सर। आई एम कंफ्यूज्ड आई से, लेकिन उसे तो फांसी दी गई थी। प्लीज, ये आर्गुमेंट करने का वक्त नहीं है सर। सर, मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर आपको मुझ पर और मेरे उसूलों पर पूरा यकीन हो तो प्लीज गिव मी स्पेशल परमिशन टू रीओपन ब्लैक टाइगर्स फाइल इमीडिएटली। सर, एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज वैलेबल फॉर मी सर। सर प्लीज 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 प्लीज। ओके, परमिशन ग्रांटेड। I will prove it. Send this skeleton to lab and get me the report immediately. Okay? Yes, sir. ले जाओ उसे। नमस्ते साहब। नमस्ते, नमस्ते। बैठिए। तुम्हारा केस क्या है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है सर, चाहे जितना भी खर्च हो जाए सर, लेकिन इस केस को आप ही हैंडल करेंगे। केस हिस्ट्री क्या है? सोबरज नामक व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई थी, पुलिस इस केस को रीओपन करना चाहती है। कौन है वो व्यक्ति?
ब्लैक टाइगर। चल, कम ऑन मूव। क्यों बे, तू ही रणवीर है ना? क्यों बे, दिखता नहीं? मैं ही हूँ रणवीर, क्या काम है? अब तक तूने कितनों को टपकाया है? तकरीबन 400 लोगों को। क्या तुम्हें यकीन है 400 लोग मर चुके हैं? लटकाते हैं मारने के लिए, लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रहा है? कोई तो बच गया होगा। कौन है वो? शोभराज। कमाल 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 कमाल, ओ मिस हो गया। मिस्टर अग्नि, ये सब क्या है? ब्लैक टाइगर का डेथ सर्टिफिकेट, इसके जरिए उसकी जन्म कुंडली हासिल करने के लिए आया हूँ मैं। मिस्टर अग्नि, बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हें कॉर्पोरेशन ऑफिस में मिलेगा, ये कॉर्पोरेशन ऑफिस नहीं है। रियल बर्थ सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन ऑफिस में मिलेगा, ये मैं भी जानता हूँ। उसे मुर्दा साबित करने वाला तू ही है ना? तुझे नहीं लगता आज मैंने तुझे बुरी तरह फंसा दिया है? What do you mean? I mean what I say. मंगलवार December 24th, 2006 अर्ली मॉर्निंग 5:30 ब्लैक टाइगर को फांसी दी गई। फांसी देने के बावजूद भी वो मरा नहीं। उसकी मौत का सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसकी चिता को आग देने वाले मरे नहीं, जिंदा है वो। मैं भी जानता हूँ, और ये है उसकी रिपोर्ट। बट उस कब्र से हमने ब्लैक टाइगर का जो स्केल्टन निकाला, वो ब्लैक टाइगर का नहीं, किसी और का है। उसे संबंधित रिपोर्ट्स है ये। लुक, हाइट, वेट, चेस्ट, वेस्ट सब कुछ मेल खा रहा है, बट बायोलॉजिकली कुछ मेल नहीं खा रहा है। नो, आई वांट द डिटेल रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द होल एपिसोड विद इन नो टाइम। इस वक्त तू राष्ट्रीय झंडे के सामने सर झुका के खड़ा हुआ है। सच्चाई छुप नहीं सकती लाख छुपाने से। मेरे सवाल सुनकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? इससे मैं क्या समझूं? तुझे डर है, टेंशन है, तेरा जमीर तुझे कोस रहा है। बोल बोल। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। सच्चाई तू बताएगा या बताने के लिए मजबूर करूं मैं? ये मत भूलो कि तुम सिर्फ बांद्रा साउथ के DCP हो, लेकिन सारे महाराष्ट्र के डेडली क्रिमिनल्स और नोटोरियस गुंडों को काबू करने वाला एकमात्र मैं जेलर हूं। अगर तू ब्रिलियंट है तो मैं क्रिमिनल हूं। तेरा लेक्चर सुनने के लिए सरकार मुझे पगार नहीं देती है। कुछ पल्ले पड़ा क्या? Stop it. Come on, tell me the truth. मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। ब्लैक टाइगर को भगाने में मदद क्यों की? बोलो बोलो। अगर कुछ छुपाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा मैं। सच बोल, नहीं तो
चारों की खोपड़ी छलनी कर दूंगा मैं। ऑन द स्पॉट जजमेंट, मेरे स्टाइल से वाकिफ हो ना? बताओ। बता दो उसे, बता दो। उस दिन मैंने ब्लैक टाइगर की जगह किसी और को फांसी दी थी और उसे एम्बुलेंस में बैठाकर भगा दिया गया था, जिसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। इस तरह कानून की नजरों में ब्लैक टाइगर मर गया। ब्लैक टाइगर इज नॉट डेड, दिस इज डुप्लीकेट ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर इज अलाइव। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लान। सरकार से पगार लेती हो और ब्लैक टाइगर की गुलामी। कानून के, न्याय के, धर्म के रखवाले होकर तुम लोगों ने कानून की नजरों में धूल झोंक दिए। पैसों के खातिर जिस मां ने तुम लोगों को जन्म दिया, उस मां को उस ब्लैक टाइगर के हाथों बेच दोगे क्या? बोलो बोलो। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। किसके कहने पर तूने ये काम किया है और इसके पीछे किस शातिर अपराधी का दिमाग है? टेल मी फास्ट। मेरे सारी फैमिली को जान से मार डालने की फोन पे धमकी दी गई। किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे फोन पर धमकी दी कि अगर उसे मैंने नहीं छोड़ा तो मुझे भी इन सब के साथ जान से मार डालेगा। इन सब के पीछे किसका हाथ है ये मैं नहीं जानता। आप जैसा समझते हैं वैसा मैं नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए। ये सब मुझे मजबूरन करना पड़ा और कोई चारा भी नहीं था। कौन है वो अनजान व्यक्ति? उसे देखने का कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन पीछे से कोई औरत निर्देश दे रही। गॉड मदर। मैं धर्मराज वल्द चाणक्य राज। मैं धर्मराज वल्द चाणक्य राज। ईश्वर को साक्षी मानकर। ईश्वर को साक्षी मानकर। यह शपथ लेता कि मैं भारतीय संविधान के नियमों का। यह शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय संविधान के नियमों का निष्ठा से पालन करूंगा और मुख्यमंत्री पद की। निष्ठा से पालन करूंगा और मुख्यमंत्री पद की। प्रतिष्ठा एवं गोपनीयता की। प्रतिष्ठा एवं गोपनीयता की। मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। लगी होगी, आ मैं परोस देती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। छोटे बच्चों की तरह जिद करके नाराज नहीं होते, आओ। भूख नहीं है। अग्नि, मुझ पर और खाने पर क्यों नाराज हो रहे हो? यस, मैं नाराज हूँ। हर चीज से नफरत सी हो गई है मुझे। इंसान की चादर और करे इस राज्य की भागदौड़ संभालने वाले उस नीच कमीने कुत्ते धर्मराज से नाराज हूं मैं। पैसों के बलबूते पर उसने विधायकों को खरीद लिया। लोकतंत्र से नफरत सी हो गई है। आई मीन इंडियन डेमोक्रेसी से सख्त नफरत सी हो गई है कि एक गुंडे को मुख्यमंत्री पद का भार सौंपा है। डेमोक्रेसी, माई फुट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अन्याय के खिलाफ जंग लड़ना ही हमारा फर्ज है माँ, लेकिन जहां भी देखो अन्याय ही अन्याय हो रहा है। सर, क्या मैं भी? आश्चर्य हो रहा है सर, आपकी सरकार को डिसमिस करके धर्मराज जैसे गुंडे को सीएम बना दिया गवर्नर ने।
फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में है। आपका गम मैं समझता हूँ सर। नो 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 नो, मुझे पदवी जाने का कोई गम नहीं है। मैं उस जनता के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने वोट देकर मुझे अपना सीएम बनाया है। सर, आप जनता के लिए अत्यंत चिंतित हैं, क्योंकि आप जनता के शुभचिंतक हैं और निष्ठा से काम को अंजाम देते हैं। दुर्भाग्य, हम और अग्नि अब आपके साथ आगे नहीं रह सकते। सर, यस, आई हैव बीन ट्रांसफर्ड। व्हाट? हैरान क्यों हो? ये सब तो राजनीति में चलता है। सर, मुझे अपनी वर्दी की कसम, आप दोनों को फिर से मैं उसी पद पर बिठा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। यस, इट्स अ प्रॉमिस। सर, जब तक ये जाबाज अग्नि है, लाइन ऑर्डर कायम रहेगा और आप फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट। सर, बधाई हो सर। थैंक यू। सर, ये सब यहाँ के हैं एंटी क्रिमिनल स्क्वाड। नंदीश कुमार, कुलभूषण, भरत पाटिल, अशोक राज। सर, इन्हें जानते हैं? ये है इन सब के लीडर, मिस्टर अग्नि। हाउ आर यू मिस्टर अग्नि? I'm fine, sir. जनता और मीडिया के नजरों में तुम एक सुपर कॉप होना मिस्टर अग्नि। ड्यूटी में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं, इसलिए लोग मुझे सुपर कॉप कहते हैं। सर, यस सर, ओके सर, भेज देता हूँ सर, इसी वक्त भेज देता हूँ सर। ओके सर। मिस्टर अग्नि, उस ब्लैक टाइगर से संबंधित फाइल्स को लेकर तुम इमीडिएट सीएम को रिपोर्ट करो। क्या कहा, सुना नहीं? सुपर डॉग अग्नि। अरे जुआरी, याद है तुमको हम बोला था एक कुर्सी पर हम बैठ के दिखाऊंगा और ये हाथों से तुम हमका सलामी दोगे, भूल गया क्या? मिस्टर धर्मराज, मैंने तुझे सल्यूट नहीं किया, तुम्हें शायद गलती हो गई, मैंने राष्ट्रीय ध्वज को सल्यूट किया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये कुर्सी तो स्थाई है लेकिन तू अस्थाई, कभी भी तुम्हारी सरकार गिर सकती है। ए अग्नि, अपनी औकात में रहो, तुम तो सिर्फ चपरासी हो, हम हूं तुम्हारा मालिक, अब कछु नहीं उखाड़ सकते। मैं जनता का सेवक हूँ, तेरे बाप का नहीं, तेरी सेवा तो कभी नहीं करूंगा मैं। खोटी आवाज नहीं, अगर मैं आवाज करूं तो टट्टी निकल जाएगी तेरी। कौन सी फाइल चाहिए बोलो? वो ब्लैक टाइगर फाइल तैयार हो गई। देव 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 देव। कॉन्फिडेंशियल है। मिस्टर धर्मराज, तूने तो सिर्फ इस कागज को ही फाड़ा है, लेकिन इतना जान लो कि कागज के फाड़ने से कुछ नहीं होगा मिस्टर धर्मराज, क्योंकि जेलर, लॉयर, रणधीर सब मेरी कस्टडी में है। तेरी दाल नहीं गलेगी, इनके साथ तू भी जरूर फंसेगा। उन चारों के साथ तुझे जेल की हवा ना खिला दी भड़ुए। क्या कहा, क्या कहा? आ, भड़ुआ कहा? इस धर्मराज को, इस राज के मुख्यमंत्री को भड़वा बोला तुमने? अबे वो खुजली वाले कुत्ते, तुम तो हमारा गुलाम है, गुलाम। इतना याद रखना कमीने, इस पवित्र कुर्सी पर जो भी बैठता है उसकी सेवा करना मेरा फर्ज है। तेरी तो हाथ उठा, वरना थोपड़ा बिगाड़ के रख दूंगा मैं, और बाहर किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। ए अग्नि, मुझे मारा, मुख्यमंत्री को मारा तुमने? मैंने मुख्यमंत्री को नहीं मारा, एक देशप्रेमी होने के नाते मैंने एक देशद्रोही को मारा, दैट्स ऑल। राज, तेरे मुंह से सच्चाई गुलवाकर तुझे और तेरे साथियों को उम्र कैद की सजा दिलाकर येरवाड़ा जेल नहीं भिजवाए तो मेरा नाम कुछ और रख लेना। तो जय महाराष्ट्र।
ब्लैक टाइगर यस 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 तुम लोगों को बचाने के लिए ब्लैक टाइगर पुलिस के अवतार में आया है। तुमने तो आकर हमें बचा लिया, लेकिन उस अग्नि से तुम्हें कौन बचाएगा? ब्लैक टाइगर, अनजाने में हमसे गलती हो गई। अग्नि की आग ने हम सबको जला दिया ब्लैक टाइगर। ये वक्त रोने गिड़गिड़ाने का नहीं है। तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे अगर और खून करने पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन तुम लोग हमसे गलती हो गई। प्लीज नो नो, पर तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। आई एम सॉरी। अग्नि, इन लोगों के जुर्म फंसाने के लिए ही मैं इस घर में आया हूं। कैसा रहा मेरा प्लान? अच्छा है ना? रॉबर्ट, पकड़ो उसे। संध्या, रोहित मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। यहाँ खरजत के पास एक बंगला है, मैं वहीं पर ही हूँ। रोहित प्लीज प्लीज जल्दी आओ। रोहित मेरी मदद करो। अग्नि सर, मैं मुसीबत में हूँ। यहाँ पे खर्जत के पास जो बंगला है, मैं वहीं पर ही हूँ। अग्नि सर मेरी मदद करो। ओए, रुक जा। ओए सर, स्टॉप दैट। अग्नि सर, संध्या, 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 संध्या। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, इसकी जान बचाइए। डॉक्टर प्लीज, प्लीज डॉक्टर, अब, डॉक्टर। सर संध्या, डॉक्टर, सॉरी मिस्टर रवि, नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, संध्या, संध्या, कुछ तो बोलो संध्या, नहीं, नहीं संध्या, नहीं संध्या, गेट अप, संध्या, प्लीज, गेट अप। सर, हमारा प्लान कामयाब हो गया। वो जर्नलिस्ट संध्या मेरे सामने ही दम तोड़ दी। मिस्टर अग्नि, आखिरी गवाह को भी तुमने खो दिया, अब मेरा क्या उखाड़ोगे? ये ब्लैक टाइगर है, ब्लैक। Yes, you are unfit to be a police officer. ये क्या हो रहा है? तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा आवेश, तुम्हारी मूर्खता, what is all this nonsense? तुम्हारी वजह से हमारे डिपार्टमेंट को मीडिया के सामने सर झुकाने की नौबत आ गई। What do you think of yourself? Are you a police officer or a dictator? तुमने शक के आधार पर शोभराज उर्फ ब्लैक टाइगर के केस को इन्वेस्टिगेशन करने वाले चार गवर्नमेंट ऑफिसर्स को गिरफ्तार करके उन्हें अपनी हिरासत में रखा और उन चारों अफसरों को बुरी तरह हैरास करके टॉर्चर किया। अपने दोस्त की मौत से बौखलाकर तुमने उन चारों के साथ ऐसा सलूक किया, और ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उन चारों के बदन पर तुम्हारी बेल्ट, तुम्हारे बूट और तुम्हारे घूसों की खरोचों के निशान गवाही देते हैं। सिर्फ यही नहीं,
तुम्हारी ज्यादतियों ने मीडिया की जर्नलिस्ट संध्या को भी नहीं बख्शा, सो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अग्नि, यू आर सस्पेंडेड। नहीं, अग्नि का कोई सस्पेंड नहीं करेगा। हमारा स्टेट में अग्नि जैसा नेक कोई दूसरा पुलिस अफसर नहीं है। लोगों से डर, शांति, आजादी छिन जाएगी, ये खातिर सस्पेंड नहीं करेंगे। ये घोर अन्याय है मिस्टर डीजीपी। ये केस को हम तुरंत सीबीआई को सौंप देंगे, और जब तक फैसला नहीं आता, इस अग्नि को इस राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी हम अपने घर में सिक्योरिटी अफसर बनाकर रखेंगे। खाब नहीं, सीएम का ऑर्डर है। स्वागत अग्नि, सुस्वागत। फाल्को, अग्नि का गार्ड ऑफ ऑनर दो। गार्ड, इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे दो। ये मुआयना करने के लिए है, इन्हें सैल्यूट करो। वेलकम अग्नि, वेलकम, तोहरा स्वागत है। ये सब कौन है जाना था का? मिलन अलियास बुरबुरिया, मुन्ना खान, विलियम जान, यगजराज, सबीर खान, तिनसुकिया के बरुआ, धनराज पांडे, टाइगर अलियास रसूल, फाइटर पीटर। डेट ऑफ बर्थ किसी का मालूम नहीं। एड्रेस केयर ऑफ ई धर्मराज, और धंधा लूटपाट, फिरौती और रंगदारी। बैकग्राउंड अंडरग्राउंड। ई सब का तुम अरेस्ट किया था, लेकिन ई सब हमारा चेला है। अब हम इनका परमिशन देगा तो एक झटकन में तुमका माटी में मिला देगा। इतनी शानदार पार्टी है, लेकिन किस लिए है? तमाशा दिखाता हूँ, देख ले। ओए, घोर के क्या देख रहा? अग्नि, अग्नि, ओए, एक बियर तो लाना। तेरी ये बजाल, अग्नि से बियर लाने के लिए बोल रहा। ओए, विजय, नाउ इज सीरियस, टेक हिम टू हॉस्पिटल। टेंशन। सत्य, हाय धर्मा, इन सबको पार्टी में क्यों बुलाया? तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। यो, सत्य, धर्मा, आई एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट। आई नो होम टू रेस्पेक्ट एंड होम नॉट टू रेस्पेक्ट। Don't try to teach me. Agni, Agni, Agni. Hey, clear from here. Clear. Hey, you also. Hey, aar maiya ka. Sir, main ek mimicry artist hu aur saath mein aapka fan bhi. Is desh mein jahan bhi function hota hai to main bhag lene ke liye wahan jata hu sir. Aaj in sab ka man bhalane ke liye mujhe aapki tarah बोलना पड़ा सर। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। सत्या, गार्ड के फेंक दो उसे। मुझे कुछ हुआ तो इतना समझ ले पुलिस तेरी जान ले लेगी। बेटे, पुलिस राज को एकदम भूल जाओ, आज से गुंडा राज चलेगा तेरी। धर्मा, धर्मा, हाँ, फिनिश। हाँ, अरे ई का, तूने तो पुलिस का कुत्ता का काम तमाम कर दिया। yes, yes. जब अग्नि ड्यूटी पर होता था हम लोग डर के मारे इधर उधर छुप जाते थे, लेकिन मैं उस सारी पब्लिक के सामने उस इंस्पेक्टर के टुकड़े टुकड़े करके आया हूँ। शाबाश, शाबाश, शाबाश। आज की रात ये धर्मा तुमको पार्टी देगा। विदेशी नचनिया, दारू, गाना बजाना, मौज आएगी।
अरे छी 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 क्या गलीज है ये, अरे हाथ धो के आना, जा बोला ना हाथ धो के आ, वहां मिलेंगे हम लोग। वो भी कड़क था, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, तुम्हारी तरह। अच्छा ये बता, आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था क्या? क्या लीगल क्या इलीगल होता है? अगर मैं ईमानदारी से पेश आता तो किसी मंदिर के बाहर, नहीं नहीं किसी रेलवे स्टेशन के पास बिना कटोरी के भीख मांगता, पुलिस मुझे किसी शक में अंदर ले जाती। राजा हरिश्चंद्र का जमाना नहीं रहा है, अगर यूनिफॉर्म में होता तो आउट ऑफ फॉर्म होता, इसलिए मुझे जो भी धंधा अच्छा लगा वो मैं करने लगा। अरे ये क्या अग्नि, इतना साबुन रगड़ने के बावजूद भी खून के दबे मिट नहीं रहे हैं? ब्लड इज थिकर देन वाटर। तोलिया, अबे तोलिया ला। ए, मेरी बात तेरे कान तक नहीं पहुंची क्या? टवल ला कर दे बॉडीगार्ड। ए ए इस तरह घूर क्या रहा है, टवल ला के दे। ए, मैंने टवल लाने के लिए कहा है, पर्दा लाने के लिए नहीं। मैं कफन लेके आया हूँ। कहने का मतलब क्या है? इसे लाश पर ओढ़ के जाऊंगा यहाँ से। किसकी लाश पर बता? सत्या 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 सत्या, अग्नि ये क्या किया तूने? Who am I? चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तुझे प्रोटेक्शन देना मेरी ड्यूटी है। हमका प्रोटेक्शन? यस, बीटी ऑफिसर का खून करके ये खूनी सीएम के घर में आके छिप गया, ये बात ऑपोजिशन पब्लिक या फिर मीडिया पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? सो तुझे प्रेस के सामने ये बयान देना होगा कि सत्यप्रकाश को मारने का हुक्म तूने दिया था। जो ही ये खबर सत्यप्रकाश को लगी तो वो तुझे मारने के लिए तेरे घर पर आ गया और तुझे बचाने के लिए मुझे इसका खून करना पड़ा। तुझे तो मैं किसी भी जगह पे आराम से मार सकता हूँ और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है सीएम सर, तू भी इसी की मौत मरेगा। इस राज्य के लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ, यही मेरा स्टाइल है। इसी तरह तेरी आंखों के सामने तेरे एक एक चमचे को गोली से भून नहीं डाला तो मुझे कुत्ता बोल लेना तू, क्योंकि तेरा पर्सनल बॉडीगार्ड हूं मैं और तेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। जल्दी प्रेस मीटिंग बुलाओ। नमस्कार, अग्नि इज ग्रेट, अग्नि ना हो तो मैं खत्म हो गया था। मैं जो भी बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, हम इस राज का मुख्यमंत्री हूं और सत्यप्रकाश सातिर गुंडा, पुलिस अफसर का खूनी हत्यारा, उसे गिरफ्तार करने का डिपार्टमेंट का आर्डर हम दिया, ठीक है ना? यस सर। इसलिए वो हमका मारने के लिए घर का धमका, अग्नि ने सही वक्त पर आकर उसका मार कर हमारा प्राण बचा लिया, हम ही का आभारी हूं, बस यही बाकी है। हमका जान का परवाह नहीं, जनता का जान का परवाह है, इसलिए हम इस जाबाज अफसर को एंटी गुंडा एक्ट का चीफ बनाने का आर्डर देता हूँ। किस अधिकार से तुमने उसे दोबारा खास पावर दे दी? हाँ नहीं तो हमका भी गोली मार देता। हमरा सामने आखिर के सामने उस ससुरा अग्नि ने सत्यप्रकाश को गोली से भून डाला, कल हमका गोली से न मारे इसकी क्या गारंटी है? अब तू ही बताना, जवाब देना, वो मामूली दिमाग वाला नहीं है। कहीं गलती से वो अग्नि भड़क उठा तो हम तो भस्म हो जाऊंगा। वो ससुरा भस्मासुर है, उसे फौरन सस्पेंड करवा दो। ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं? अरे काहे नहीं? सॉरी सर, मीडिया के सामने आपने खुद कहा कि मिस्टर अग्नि ने आपकी जान की रक्षा की, अब आप उसे सस्पेंड करेंगे तो आप अपने कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे और आपको जेल जाने के भी नौबत आ सकती है। ठीक है ठीक है, एक ही बार में उसे इस लोक से परलोक ट्रांसफर करवा दूंगी। कोई आवाज नहीं करेगा,
उस अग्नि के लिए मेरा ये पंजा ही काफी है। सबको क्लियर कर दो सर। बस में तकरीबन 60 लोग हैं, जिसमें से 20-30 महिलाएं हैं, 15-20 बच्चे हैं, बाकी मर्द हैं, उनमें से एक आतंकवादी है। कंट्रोल रूम, अग्नि हियर, एनी डिमांड? हेलो अग्नि, द फायर, नाउ आई विल शो यू द रियल फायर। उस बस में हमने हाईली इनफ्लेमेबल आरडीएस फिक्स कर दिया है, कुछ ही पल में ये ब्लास्ट होने वाला है। अब तुझे यह पता चलेगा कि रियल फायर कौन है, द ब्लैक टाइगर पावर। तुझे अपनी जनता से बहुत लगाव है ना, अब वो तेरे सामने मरेंगे। सीधा प्रसारण, अब खुद ही देख ले। नो नो ब्लैक टाइगर नो। जनता के नजर में तो हीरो है ना, अब जीरो है। ए ब्लैक टाइगर, दुश्मनी तेरे और मेरे बीच है, उन बेगराहों को सजा क्यों दे रहा तू, उन्हें रिहा कर। हे अग्नि, टेंशन क्यों ले रहा है हा? यही मैं तेरे सामने हूं, तेरा हीरोइज्म देखने के लिए। हो सके तो बचा ले उन्हें, खड़े खड़े सोच क्या रहा है। लुक ब्लैक टाइगर, बस में भोले भाले लोग हैं, उन्हें छोड़कर तेरी डिमांड क्या है बोलो मुझसे। मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है, मैं एसटीएफ को वापस भेज दूंगा। ओके ओके, मूव मूव फ्रॉम हियर, यहां से जाओ। बस में बच्चों के साथ महिलाएं और वृद्ध भी हैं, जरा उन पर तो रहम कर, मेरी बात मानो, उन्हें रिहा कर दे तू। टाइगर जब एक बार अपना शिकार पकड़ लेता है तो उसे छोड़ता नहीं, यही टाइगर का स्टाइल है। रिलीज दम, आई से रिलीज दम। ऑफिसर्स, हमें बड़ी होशियारी से काम करना होगा। मुंबई और गुजरात की सीमा पर सिक्योरिटी टाइट कर दो और एसटीएफ के जवानों से कहना कि हर एक शख्स पर कड़ी निगरानी रखे। वीआईपी हो या फिर कोई भी मंत्री, हर एक को चेक करने के लिए कहो, बिकॉज दिस इज द वॉर बिटवीन ब्लैक टाइगर एंड आवर पुलिस फोर्स। सर ब्लैक टाइगर प्लीज, और डिटेल मत पूछना, एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझ पे अगर तुम लोगों को जरा भी भरोसा है तो प्लीज बिलीव मी एंड जस्ट ओबे माय ऑर्डर्स। इस स्टेट की हालत बहुत ही गंभीर है, ब्लैक टाइगर ने हमारे कई अफसरों को पैसों से खरीद लिया है, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। दिस इज अ चैलेंज फॉर आवर पुलिस डिपार्टमेंट, हमें मिलजुल के काम करना होगा। अगर किसी आतंकवादी ने शहर में दहशत फैलाने की कोशिश की तो उसे गोली से भून डालेंगे हम, चाहे हमारी जानी क्यों न चली जाए। व्हाट ब्लड सर? ओके ओके, जनता के लिए हम जिएंगे और जनता के लिए हम मरेंगे। ड्यूटी के दौरान अगर हम शहीद भी हो गए तो हमें तनिक भी गम नहीं होगा। प्लीज वादा करके तुम लोग सब मेरे साथ दोगे, आतंक को मिटाने के लिए अपनी खुशियों को त्याग देंगे हम, इस देश के लिए हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। इस देश से आतंक को मिटा के ही दम लेंगे हम, और आतंकियों को समझा देंगे कि पुलिस से भिन्नी का अंजाम क्या होता है। हेलो टाइगर, ब्लैक टाइगर, अग्नि, तो कितना खुराफात है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं कितना खुराफात हूं ये तू नहीं जानता। ये बता तू मेरा क्या उखाड़ पाया, तेरी आंखों के सामने तेरी माँ मरी और तू बस देखता रहा। अरे तेरी माँ का, तू गुस्सा होता है तब तेरी आवाज बहुत सुरीली हो जाती है, आई लाइक इट। अरे गुस्सा बढ़ रहा है अग्नि। अगर तू एक बाप की पैदाइश और तेरी माँ पतिव्रता है तो सामने आके मुकाबला करना वे न।
निहत्ते मासूम बच्चे और महिलाओं की जान लेने वाला तू खुद को मर्द समझता है बे? क्या कहा? आए, 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 आए। अगर तू वाकई मर्द है तो कोई भी स्पॉट बता, मैं जरूर वहां आऊंगा। शेर की तरह आऊंगा, सुअर की तरह नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तानी शेर हमेशा अकेले ही शिकार करते आया है। ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ अग्नि, अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। शहर के हर जगह मैंने बम लगवा दिए हैं। तू लायन है ना? अगर हिम्मत है तो बम का डिफ्यूज करके दिखा। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, सब की खबर रखता हूँ। सर दुकान से आ रहा है खबर पक्की। हेलो, ये खबर पक्की है, जस्ट फॉलो हिम। ब्लैक टाइगर? विच ब्लैक टाइगर सर, कौन है वो? तुम उसे नहीं जानते हो क्या? सर मैं ब्लैक टाइगर को नहीं जानता, ब्लैक कोबरा को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता सर। तो फिर बम और आरडीएक्स वगैरह बस में किसने रखा, बोलो? किसके इशारे पर तुम ये काम कर रहे हो, वो कौन है बोलो? आई कांट से दैट सर, कह नहीं सकता। ओके 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 अशोक। कमन किल मी सर, किल मी, जान ले लीजिए मेरी, मगर इस तरह टॉर्चर मत कीजिए सर। सच बताने की हालत में नहीं हूं मैं सर। टेररिस्ट अक्सर यही बोलते आए हैं, सच बोलो तो तुम्हें छोड़ देंगे हम। सर आप यकीन कीजिए मैं टेररिस्ट नहीं हूं। वन सेकेंड, ये देखिए, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किसी आतंकवादी ने मेरे माँ बाप और बहन को बंधक बना के रखा हुआ है, उन्हें छोड़ने के लिए पैसा मांग रहा है सर। मेरा यकीन कीजिए, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम सर। Relax. Where is the spot? Tom, Tom, pizza. Tom, pizza. वहीं रख दो। ये ले। साहब छोटा नहीं। कोई बात नहीं, जा। ओह, शुक्रिया साहब। Boys, pizza. शांत। मम्मी पापा। हाँ बोलो, मैं बोल रहा हूँ। टाइगर, अग्नि ने हमें पकड़ लिया। क्या बोल रहा है तू, वहां कैसे पहुंचा? उसने जो भी कहा सच है, तुम्हारी फैक्ट्री को हमने सेल कर दी है। क्यों? ऐ ज्यादा चिल्ला मत, तू क्रिमिनल है तो तुझ जैसे क्रिमिनल का बाप हूं मैं। एक बात सुन ले, पुलिस से बड़ा गुंडा इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ब्लैक टाइगर, जस्ट काउंट योर डेज। देखो यहाँ अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, तुम दोनों को क्या चाहिए मैं दिला दूंगा, समझे? हाँ जल्दी भागो। सर मैं प्रताप पाटिल बोल रहा हूँ, जयनगर के फोर्थ ब्लॉक कॉम्प्लेक्स से। लगता है ब्लैक टाइगर यहाँ बम रखने आया हुआ है, आप फौरन आ जाइए। ए तुम दोनों घर जाओ। हुँ?
हाथ में मोबाइल था, फिर भी पीसीओ से किसको फोन कर रहा था ये? हाँ, रीडायल करके पता करता हूँ। लगता है वो फिर से जरूर वापस आएंगे। वेलकम टू द टेलीफोन बूथ मिस्टर पुलिस डॉग, तेरी सिंसियरिटी और तेरी जिम्मेदारी को सलाम करता हूँ। सुनो खबरी, हमारे साथ रहने वाले लोग गली गली की खबर रखते हैं। आज तेरी किस्मत ने तेरे साथ बेवफाई की। बात कर, अगर बात करना बंद करेगा तो बम फट जाएगा। तेरे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है। रिसीवर रखेगा तो फटेगा, दरवाजा खोलेगा तो भी फट जाएगा। मुझसे खेलने का अंजाम देख लिया? बात कर, अग्नि से जी भर के बात कर। इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं है, लेकिन मैंने बम कहीं और रखवाया है। सर, बम को पता चला? प्रताप, नो आइडिया सर। बम कर कहाँ? वहाँ सर। कम ऑन, मेक इट फास्ट, गो क्विक, क्लियर द क्राउड। सर, प्लीज प्लीज, वो ऐसे चलो। हे अग्नि, तुझे जिस टेलीफोन बूथ से खबरी ने खबर दी, मैंने उसी टेलीफोन बूथ पर तेरे खबरी को मरवाने के लिए बम फिक्स किया है। उसी बूथ से तेरा इन्फॉर्मर प्रताप तुझे खबर देता है ना? बब्बर शेर बनता है अग्नि, ये मजाक नहीं, कॉन्फ्रेंस कॉल है, प्रताप से बात कर ले। प्रताप सर, मैं तो यहाँ कहा। टेंशन क्यों ले रहा है अग्नि? तेरे सामने जो टेलीफोन बूथ है, किसी भी वक्त वो ब्लास्ट हो सकता है। नो यस, हमारी खबर को तुझ तक पहुंचा के प्लान बदलने में हम कामयाब हो गए। उसकी मौत निश्चित है। हाँ, अगर उसने फोन रखा या फिर बूथ का दरवाजा खोला तो वो मरेगा। कर, बात कर, वरना मर जाएगा। नाउ योर काउंटडाउन बिगिन। 10 मत आइए सर। 7 सर, मत आइए प्लीज। 5 सर, मत आइए सर, मत आइए। 2 सर, सर, अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचा ली यादव। कमान गेम इज ओवर। अग्नि, काउंट योर डे। प्रताप सर, याद है आपने उस दिन कहा था कि मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए अनफिट हूँ, लेकिन आज पुलिस की ड्यूटी करते हुए जान की कुर्बानी दे रहा हूँ। अब तो मैं फिट हूँ ना सर। You're fit. 100% fit. Call the ambulance. नो सर, कोई जरूरत नहीं, एक और चलम मिला तो सर, अगर एक और जन्म मिला प्रताप तो पुलिस ही बनूंगा सर। प्रताप सर, दिस इज माई लास्ट सैल्यूट सर। प्रताप, जय हर निशम सेवा मैं। जवाब दे जवाब। भोले भाले लोगों के खून से कब तक खेलती रहेगी तू? सारे शहर में सनसनी फैलाने के बाद यहां चैन की नींद सो रही है? हाँ, आज मैं सच्चाई जान के ही रहूंगा।
चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी 100 गलतियों को माफ करने के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण है अग्नि। वो ब्लैक टाइगर कहाँ है बता बता, राबड़ी देवी बता। सौले प्रिय करो, इस तरह पीकर पड़े रहने के लिए मैंने तुम्हें नहीं पाला है। उठो, उठ जाओ तुम लोग, हमें मारने के लिए यमराज आ गया है। उठो, उठ जाओ। अरे भाई ये क्या है यार। अरे उठो ना। अग्नि, अग्नि आ गया। थोड़ी सी पीते है तुम्हारे चारों तरफ अग्नि अग्नि दिखता है। अरे वहाँ देखना अग्नि। ए मुन्ना, ए शब्बीर, ए रवि भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे वो देखो क्या है, जल्दी जल्दी आओ। काट डालो इस सारे को। इस गॉड मदर का कुंडा निकालता हूं अभी। जूट अरे कौन, अरे मर गए। अरे पहुंचू आ तो गया काम से। मुझ पर तू अटैक करेगा, आज तुझे काट के रख दूंगा। मैं जान लीले संध्या का लवर और इस गॉड मदर का छोटा बेटा रोहित। उस संध्या ने मेरे बड़े बेटे के केस में ही अपनी टांग अड़ाई और इन्वेस्टिगेशन कर रही। जब ये पता चला तो मैंने अपने छोटे बेटे को उस संध्या से प्यार करने का नाटक खेलने को कहा, किसी और को पता न चले, इसलिए उसे और उसके पास जो सबूत है उसे पूरी तरह मिटाने को कहा। लेकिन तूने बीच में आके मेरे बेटे रॉकी को मुझसे छीन लिया। ब्लैक टाइगर केस में संध्या इन्वॉल्व थी। उस हादसे की रात रोहित, संध्या रोहित, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैसेट है, कुछ भी करके इसे आदमी से तक हमें पहुंचानी होगी। जल्दी चलो रोहित। थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? My dear Cynthia, I love you. और इस तरह सारे सबूत मैंने अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है ऑफिसर।
ये माँ भगवान से बढ़कर है। माँ मोहब्बत का नाम है। माँ वो होती है जो काफी दर्द सहकर अपने बच्चे को जन्म देती है और खुद रूखी सूखी खाकर अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ भगवान से बढ़कर होती है। अरे तेरी माँ भगवान नहीं पिशाच है। अपने स्वार्थ के लिए उसने तेरी बलि चढ़ा दी। उस भगवान के साथ अपनी माँ की तुलना मत कर क्योंकि ये बेहया औरत माँ के नाम पर एक कलंक है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। तेरा ये बेटा तुझे भगवान से भी बढ़कर मानता है लेकिन ये नहीं जानता कि तू कितनी कमीन औरत है। तू भी एक माँ है। तूने माँ जैसे पवित्र शब्द का अपमान किया है। आज मैं तुझे मारकर इस देश की जनता को राहत दिलाने वाला हूँ। यस प्रोसीड योर ऑनर। वारदात को अंजाम देने वाला हम नहीं हूं, वो ब्लैक टाइगर है। हम तो सिर्फ उसका कठपुतली हूं। हम लोगों का डोरी उसके हाथ में है। हम तो एक गरीब मुख्यमंत्री हूं योर ऑनर। उका ससुरे का पकड़ो ना। सारी बहस के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री धर्मराज ने अपने पद का दुरुपयोग किया, इसलिए माननीय गवर्नर महोदय से इनकी सरकार को बर्खास्त करने का हुक्म देता हूँ। सिर्फ यही नहीं, पूर्व कमिश्नर के ट्रांसफर को रद्द करने का आदेश देता हूँ और पुलिस अफसर अग्नि को ब्लैक डैगर ऑपरेशन के लिए स्पेशल पावर्स देता हूँ। सर अग्नि टाइगर ब्लैक टाइगर। अरे तो मुझे क्या पकड़ेगा? टाइगर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हिंदुस्तान की सरहद पार कर गया, मुझ में कितनी ताकत है मैं तुझे दिखाता हूँ। पुलिस की वर्दी में तो तू एक गिदड़ है। मर्द है तो आंखें मिल। बाय गुड बाय। अग्नि कैच मी इफ यू कैन। कैच मी। Welcome to Bangkok. Thank you, officer. Please. Is everything ready? Yes, sir. Good. Please. Oh,
This is the power of Indian police. Black Tiger! अग्नि शाबाश, मर्द है तू, वाकई माँ का दूध पिया है तू। मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया तू, इसलिए मैं तुझे सलाम करता हूँ। अग्नि आजा आजा आजा, मुझे ढूंढते हुए जब यहाँ तक पहुँच गया है तब मेरे करीब आने से तू डरता क्यों है? आजा, कम ऑन, तू टाइगर के गढ़ में आया है। याद है ना तूने मुझसे एक बार कहा था, अगर मर्द का बच्चा है तो अकेले लड़का दिखा। इस इलाके में सिर्फ हम दोनों ही है, हमारे सिवा और कोई नहीं है। वैसे ये मेरा साम्राज्य है। दिस इज ब्लैक टाइगर किंगडम। यहाँ तो अकेला है। अकेला हुआ तो क्या हुआ, ये अग्नि है, इस अग्नि को बुझाना कोई आसान काम नहीं है, जलकर मर जाओगे। देखो इन आंखों को गौर से देखो, जो तेरे साम्राज्य को जलाकर राख करने के लिए आया हुआ है। एक बार किसी को घूर के देख लिया तो पल भर में भस्म हो जाएगा वो। अगर आज ये हिंदुस्तानी शेर तेरी मां में आके तुझे ललकार रहा है, अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है तो इस शेर से सामना कर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो तुमने सुना होगा। हिंदुस्तानी से दोस्ती करोगे तो वो तुझ पर अपनी जान लुटाएगा, और अगर दुश्मनी करोगे तो जान ले भी लेगा। कम ऑन। Hey!
तू मरेगा। तूने देखा हिंदुस्तानी पुलिस में कितना दम है। थैंक यू मिस्टर अग्नि, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर बहुत नाज है। तुमने जनता का दिल हमेशा के लिए जीत लिया है। Keep it up. We are proud of you, Agni. Thank you, sir.